नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना डीआर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे कि पशु को अगर ठंड लगने की वजह से पैखाना पतला होने लगती है तो क्या ट्रीटमेंट करना है जिससे पशु को वह ठंड लग गई वह ठीक हो जाए और साथ साथ उसको जो डायरिया हो गई है, पैखाना पतला कर रही है, वह पैखाना पतला भी ठीक हो जाए। इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट में पशु संबंधित कोई वीडियो डालो तो वह आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं कि पशु को अगर ठंड लग गई है और ठंड लगने की वजह से अगर पतला पैखाना हो रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या इंजेक्शन देना है और क्या बोलस देना है, यह आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसी परेशानी में पशु में आए ठंड के महीने में तो सबसे पहला जो इंजेक्शन आपको दे देना है एक ट्राइवेट, जो कि इंटास कंपनी का आता है ट्राइवेट। अगर पशु का बॉडी वेट 400 kg बॉडी वेट है, यानी कि 4 क्विंटल के करीब है, तो उसको 20 ml ट्राइवेट आपको देना है, पहला इंजेक्शन। दूसरा इंजेक्शन आपको दे देना है सल्फाट्रीम। देखिए, जो जो इंजेक्शन हम बताते हैं बगल में उसका पिक्चर भी आ गया है। तो सेकेंड यानी कि पहले दूसरा इंजेक्शन देना है सल्फाट्रीम। अगर 4 क्विंटल के करीब आपका पशु है तो यह जो सल्फाट्रीम है उसको आप पूरे 30 ml लगा दीजिए, 15 ml गर्दन के लेफ्ट साइड और 15 ml गर्दन के राइट साइड, दोनों साइड 15 ml लगा देना है। दूसरा इंजेक्शन हो गया सल्फाट्रीम। तीसरा जो इंजेक्शन आपको लेना है एक जैसे कि लिवामाइसोल करके जो दवा आता है, साइड में देखिए फोटो आ गया था, लिवामाइसोल आपको तीसरा इंजेक्शन दे देना है। 4 क्विंटल के करीब है तो उसको यह जो लिवामाइसोल है 15 से 20 ml देना है। उसी तरह छोटा पशु है 2 क्विंटल के करीब तो 10 ml देना है, उससे भी छोटा पशु है 1 क्विंटल के करीब है तो 5 ml देना है यह लिवामाइसोल। दूसरा इंजेक्शन हम बताए थे सल्फाट्रीम, तो अगर बड़ा जानवर है 4 क्विंटल के करीब तो 30 ml देना है, छोटा पशु है 2 क्विंटल के करीब तो आप उसको 15 ml दीजिए, उससे भी छोटे 1 क्विंटल के करीब तो उसको 7 से 8 ml आपको देना है। तीनों इंजेक्शन देने के बाद मार्केट में एक कॉन्सेप्ट कंपनी का बोलस आता है सल्कोप्रीम नाम से, देखिए उसका पिक्चर भी आ गया। तो सल्कोप्रीम यह जो है अगर बड़ा जानवर है 4 क्विंटल के करीब है तो 2 बोलस सुबह और 2 बोलस करके शाम देना है, और उसी तरह छोटा पशु है 1 क्विंटल के करीब है 2 क्विंटल के करीब है तो 1 सुबह और 1 बोलस शाम, और उससे भी छोट पशु है 1 क्विंटल के करीब तो आधा बोलस सुबह और आधा बोलस शाम करके अगर लगातार आपको जब तक ये पैखाना ठीक नहीं हो जाए यह दवा देते हैं तो बहुत जल्दी आराम हो जाएगी और उसको ठंड से भी बाहर आ जाएगी और पैखाना पतला जो कर रही है वह ठीक भी ठीक हो जाएगी। तो साथियों, यह वीडियो हम आपको बताए हैं पशु को ठंड लग जाए और उसके वजह से पैखाना पतला करने लगती है तो जो हम अभी ट्रीटमेंट बताएं वह आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।